सो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ जो वीडियो को शेयर किया था, तो उस टाइम में हैंड फिट पे था ये सब बेबी। और अभी आप देख सकते हैं मेरे सब जो वो सेल्फ फिट में आ चुके हैं। तो सेल्फ फिट में आने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, अगर आप भी हैंड फिट बर्ड कराते हैं और हैंड फिटिंग से बर्ड को रख रहे हैं तो किस तरह से रख के, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ये मेरे सारे बर्ड आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फुल टेम हो चुके हैं। जो बहुत सारे भाई जो सोचते हैं कि किस तरह से टेम करें अपने बर्ड को, और कि मेरे भी कांधों पर इसी तरह आकर बैठे और मेरे बर्ड्स मेरे साथ खेले और फुल एंजॉय करें आपके बर्ड्स आपके साथ खेलकर। तो ये देखिए मेरे सारे बर्ड किस तरह से कोई यहाँ पे बैठा है, ये देखिए पेट। तो ये सारे के सारे बर्ड मेरे देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये टेम हो चुके हैं, ये देखिए। तो अब मैं ऐसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा जो यहाँ पे केज है, यहाँ पे आप दिखा दे भाई केज किस तरह है। तो यहाँ पे मैंने केज रखा हुआ और बहुत ही बड़ा केज है। तो मैं यहाँ पे सारे बर्ड्स को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ताकि जो बर्ड्स है वो खाना पीना अच्छे से खा सके और रह सके। तो गैस कि जब भी आप देखें कि आपके बर्ड जो है, जो हैंड फिट पे आप लोगों ने लिया होगा, चाहे 2 पीस 4 पीस 10 पीस जितने भी पीस आपके पास बर्ड है, तो आप उसे हैंड फिट करा करा कर जब वो देखे कि उसका फीडर आ चुका है, तो इस तरह के आप लोगों को बड़ा जो है वो केस देना है। और केस देने के बाद आप लोग ऐसा ना करें कि जिस डोलची में हम लोग आप जिस तरह छोटा में रखते थे बर्ड्स को, उसी तरह ना छोड़े बर्ड, बल्कि उसे केस दे। केस प्रोवाइड करने के बाद उसे थोड़ा बहुत खाने के लिए जरूर दे, ताकि आपके बर्ड जो वो धीरे धीरे खाना स्टार्ट करें, और जब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो वो खुद ब खुद सेल्फ फीड में आ जाएंगे और आप लोगों को फीड कराना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह करेंगे, अगर थोड़ा सा बर्ड का फीडर आ चुका और उसे केज में रख कर खाना प्रोवाइड करेंगे, तो आपके बर्ड जो है वो खाना जल्दी सीख जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, डोलची में रख के हैंड पे हैंड फीड कराए हुए जा रहे हैं, तो क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और बर्ड्स को खाने सीखने में। इसलिए खाने की आदत अगर दिलाना है, सेल्फ फीड में लाना है, तो बर्ड्स को आप लोगों को केस देना होगा। केस देने के बाद उसमें खाना पीना देना होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपके बर्ड्स अगर खाना सीख जाए, थोड़ा बहुत खाए, तो आप उसे सेल्फ जो हैंड फीड होता है वो हैंड फीड कराना ही छोड़ दें। शुरू शुरू में क्या होता है, कुछ बर्ड जो होते हैं वो खुद से अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन कुछ बर्ड जो होते हैं हैंड फीड में, हैंड फिट के बाद वो थोड़ा बहुत खाते हैं, जिसके वजह से बर्ड जो है कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप अपने बर्ड्स को जहाँ पे आप 4 से 5 टाइम हैंड फिट देते थे छोटा में, जब छोटा था आपका बर्ड्स का बेबी, तो अब आपको 1 से 2 टाइम हैंड फिट कराना होगा। क्योंकि आप बिल्कुल भी हैंड फिट कराना ना छोड़े, इस तरह आप हैंड फिट कराएं और आपके बर्ड्स को थोड़ा थोड़ा फ्री फ्लाइंग कराएं, जिसके वजह से आपके जो बेबी बर्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और आपके कंधे में आपके यहाँ पे मतलब आपके साथ घुल मिल कर रहेंगे। तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उससे खेले, उसके साथ खेलना कूदना वो लोगों को क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। जब वो सेल्फ फीड में आते हैं तो आपको बर्ड जो है वो पहचान जाते हैं, तो आप उसे फ्री फ्लाइंग कराए, उड़ाए, आप उसके साथ खेल कूद करें, बहुत ही अच्छा लगता है। और बर्ड भी, इससे क्या होगा कि आपके बर्ड भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अगर आप एक कोना में छोड़ देंगे तो बर्ड सेल्फ फीड में आने के बाद बहुत ही सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन में भी जा सकते हैं आपके बर्ड्स। तो इसलिए आप अपने बर्ड्स के साथ खेल कूद करें, अपने बर्ड्स को फ्री फ्लाइंग कराएं। तो मेरे बर्ड जो है वो बहुत ही अच्छे अभी हो चुके हैं, फीडर क्वालिटी वगैरह सब आ चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। सो फाइनली गाइस, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। फिर हाजिर होता है एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। जब तक अपने और अपने बर्ड्स का खूब अच्छे से केयर करें और मुझे दुआओं में याद रख के चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।